इस समय कबीर होगा, शायद कुछ भूल गया है। कबीर, आप कौन है? केसर, तुम ठीक हो ना? खून, भागो। मुसीबत कैसी भी क्यों ना हो, सब अपने सीने पर सह लेता है, लेकिन मुझ पर कभी खरोंच तक नहीं आने देता। बचपन से आज तक जिंदगी के हर मोड़ पर हर बार मेरे साथ एक चट्टान की तरह खड़ा रहा है ये। मारी केसर को हाथ लगाएगा? हम तुमसे प्यार करते हैं। बहुत प्यार। तूने छूने की हिम्मत भी कैसे की? मत केसर, केसर क्या हुआ है? तुम ठीक हो ना केसर? कहाँ खो गई थी? क्या हुआ है? तुम ठीक हो ना? जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ हो सकता है क्या? हाँ,
कबीर तुम्हारा हाथ, एक मिनट बैठो प्लीज, एक मिनट बैठो। हाँ बापूजी, बा ये है प्रतीक जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। हाँ खुश रहे, आशीर्वाद बेटा। आओ बैठो बेटा, बैठो आप लोग। प्रतीक अपने बारे में कुछ बताओ। मेरा बेस और हेडक्वार्टर्स तो लंदन में है दादी, लेकिन मेरा बिजनेस यूरोपियन और साउथ अफ्रीकन मार्केट में फैला हुआ है। तो काम आप लोग यहाँ पे करते हैं वो मैं भारत से बाहर करता हूँ। आपकी कंपनी में पार्टनरशिप के लिए आया था, बट व्हेन आई मेट ध्रुवी आई फेल्ट लाइक कि लाइफ की पार्टनरशिप के लिए मुझे इससे बेटर लड़की मिल ही नहीं सकती। मुझे रिश्ता बहुत पसंद है। उससे बातें करते रहोगे या प्रतीक को कुछ खिलाओगे पिलाओगे? हाँ बापूजी, वहाँ डाइनिंग टेबल पर सब रेडी है। प्रतीक आओ बेटा। इन सब की फोटोज में केसर की फोटो नहीं दिख रही। घर के बाकी लोग हमें ज्वाइन नहीं करेंगे? अंश से तो तुम मिल ही चुके हो, वो भी आता ही होगा। और घर के बच्चे दर्शन और रिद्धि, उनके एग्जाम्स चल रहे हैं। और जीनल भाभी वो किचन में, वो भी ज्वाइन कर लेंगे। घर में और कोई भी नहीं है? नहीं, हमारे अपने बस इतने ही। वो प्रतीक और लोग भी है, वो क्या है ना कि हेतल वो कभी कभी भूल जाती है। और मेरा पोता कबीर और दूसरा पोता सूरज जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी पत्नी केसर भी है। लेकिन अभी वो लोग बाहर गए हैं, अगली बार जब आओगे तो मुलाकात हो जाएगी। मैं अपनी बेटी के होने वाले पति को उन दोनों मनोजों से कभी नहीं मिलने दूंगी बापूजी। और प्रतीक ही क्या, आज के बाद तो आप सब भी शक्ल तक नहीं देख पाएंगे उनके, क्योंकि उनका खेल खत्म हो जाएगा आज। आप सॉरी कबीर, मेरे हिस्से की बदकिस्मती एक बार फिर तुम्हारे हिस्से आ गई। बचपन से लेकर आज तक तुमने मुझे हर मुसीबत से बचाया है, सारी मुसीबतें अपने ऊपर ले ली। मुझे हर दर्द से बचाते हो और खुद सारा दर्द सहन कर लेते हो। इसी का नाम ही तो दोस्ती है सर। दोस्ती में खुद से ज्यादा अपने दोस्त का ख्याल रखना होता है। अगर अपने सुख की वजह से दोस्ती का फर्ज पीछे छूट जाए तो दोस्ती कैसी, मतलब वो दोस्ती किस काम की? दुनिया में अगर सारे दोस्त तुम्हारे जैसे हो तो दुनिया की आधी प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाएगी। कभी कबीर राव, मैं सोच रही थी अभी हमें घर चलना चाहिए। घर चलते हैं? पर कैसे सूरज को लिए बिना जाएंगे ठीक रहेगा ऐसे खाली हाथ? मैं भी पहले वही सोच रही थी, पर हम यहाँ भी कब तक रहेंगे कबीर? हम घर चल के शांति से सोचते हैं कि हमें सूरज को कैसे ढूंढना है। कबीर बापूजी भी बहुत परेशान हो रहे होंगे, मैं नहीं चाहती कि कोई भी उन्हें सवालों के कटघरे में खड़ा करे। सवाल? कैसे सवाल कैसे? हम दोनों यहाँ घर से दूर एक होटल में एक साथ, बहुत तरह के सवाल हो सकते हैं। मैं नहीं चाहती कि हेतर काकी या बाकी लोग बापूजी पर कोई भी दबाव डाले, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए प्लीज हम घर चलते हैं। ठीक है, पर हमें ये पता लगाना होगा कि हमारे ऊपर हमला किसने किया। इस बात की तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कबीर कि ये हमला भी सूरज ने करवाया। जैसे ही हम यहाँ पहुंचे वो यहाँ से भाग गए, इसका मतलब उन्हें पता चल गया था कि हम उन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए। पर उसे पता कैसे चला कि सर? किसने बताया होगा उसे?
बता दो काकी को तुम्हारी शादी की असलियत, कि सूरज तुम्हारे साथ क्या क्या करता था, इतने सारे जुल्म किए उसने तुम्हारे ऊपर। तूने केसर को कच्ची मिट्टी की तरह गढ़ा है, अपने संस्कार दिए हैं अंबिका को, और केसर हमेशा हर मौके पर हमारी उम्मीदों से बढ़कर साबित हुई है। मुझे माफ कर दे सूरज, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या सही है क्या गलत है। बा और बापू जी का केसर का साथ देना गलत है भाभी, और केसर का जेल जाना सही। हेतल, तू यहाँ क्या बात है? हाँ भाभी, मुझे लग ही रहा था कि आप बहुत परेशान होंगे, और हो भी क्यों नहीं, बा और बापूजी फिर से उस खूनी का साथ जो देने लगे हैं। लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकती भाभी कि हमारे सूरज को छीनने वाली कोई और नहीं बल्कि वो केसर ही है। मुझे लगता था कि ये लड़की पागल है, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। ये लड़की पागल नहीं भाभी, बल्कि बहुत चालाक है। मतलब जरा सोचिए भाभी, कभी भी केसर ने कुछ भी बताया? बताना तो दूर, क्या कभी जिक्र भी किया इस बारे में कि सूरज के साथ उसका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है? बस यही है मेरे भरोसे की वजह। भाभी केसर बहुत चालाक है, इतनी चालाक कि कबीर को अपना मोहरा बना लिया उसने। पहले कबीर की हमदर्दी जीती, फिर उसी का इस्तेमाल करके बा और बापूजी के दिल में अपने लिए फिर से जगह बना ली। भाभी मुझे समझ नहीं आता कि जब उसने खुद ही स्वीकार कर लिया था कि सूरज की जान उसी ने ली है, तो फिर और कौन सी बेगुनाही साबित करना चाहती है वो। सच तो ये है भाभी कि केसर झूठ का जाल बुनकर पूरे घर को उलझा रही है ताकि वो इस घर में आराम से रह सके, राजकौर परिवार का नाम पैसा इन सब का इस्तेमाल करके सजा से बच सके। भाभी मैं जानती हूं कि मेरी बात पर कोई और यकीन नहीं करेगा, क्योंकि बाहर बापूजी को तो अब भी यही लगता है ना कि केसर इस घर की मर्यादा को कभी भंग नहीं होने देगी। पर अगर आंख पर पट्टी बंधी हो तो सच सामने होकर भी नजर नहीं आता। पर सच ये है कि केसर ने हम सबकी मर्यादा अपने पैरों के नीचे रौंद दी है। भाभी मुझे आपको कुछ दिखाना है, ये देखिए। देखिए कैसे कबीर के साथ ये केसर एक होटल में बेशर्मों की तरह हंस रही है, उससे लाल गुलाब ले रही है। मैं ये सब देखती हूं ना भाभी, तो मेरी आत्मा भी सूरज के लिए रो पड़ती। भाभी 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 प्लीज चुप हो जाइए, अब आइए भाभी, यहां बैठिए भाभी, संभालिए खुद को भाभी। भाभी आप बहुत रो चुकी, रोना तो उस केसर को चाहिए। भाभी मैं आपको सच में परेशान नहीं करना चाहती थी, पर मैं क्या करूं, मुझे लगा कि केसर का यह चेहरा आपके सामने लाना बहुत जरूरी है। कहीं उसके इस घर में रहने के चक्कर में घर के बाकी बच्चों का भविष्य खराब ना हो जाए। मैं अभी चलती हूँ भाभी, पर इस पर सोचिएगा जरूर। वाह क्या जाल बुना है मैंने, एक ही लाठी से सारे सांप मार डाले।
लगता है केसर और कबीर का काम तमाम हो गया। जब कोई पाप करे तो उसे ध्यान रखना चाहिए कि किसी और को उसके बारे में कभी पता ना चले। पर मुझे पता है तुम्हारे सारे काले कारनामे, और अब वो सब बहुत जल्दी सारी दुनिया के सामने आएंगे। हेतल राजगौर, ये कौन? ये फोन क्यों नहीं लग रहा है? શું થયું નારાયણ? કેમ આટલા હેરાન ને અકળાયેલા લાગો છો? ઉસને લીલા પછી કબીર ઓર કેસર અભી તક નહીં લોટે તો ચિંતા હો રહી હૈ। વો પતા કર ગયે હૈ ના કિ કુછ સબૂત ઢૂંઢ કર લાયેંગે। હો સકતા હૈ સમય લગ જાય। ઇતને બેસબર ક્યું હો રહે હો આપ? કેસર કેવલ અપની બેગુનાહી કા સબૂત ઢૂંઢને નહીં ગઈ બલ્કિ સૂરજ કે જિંદા હોને કા સબૂત ઢૂંઢને ગઈ હૈ। કહાં સે રાજ તુમે ભી પતા હોતા લીલા तो तुम भी मेरी तरह बेसब्र होती ना। कहाँ खो गए? कुछ नहीं लीला। चलिए आपको जो भी सोचना है कमरे में चलकर सोचिए। आओ मुझे दवा भी देनी है आपको। आओ। एक काम दिया था तुम लोगों को और वो भी तुम लोग ठीक से नहीं कर पाए। तुम लोगों को उस कबीर ने अकेले ही मार दिया और खुद को बहुत बड़ा गुंडा समझते हो तुम लोग। अरे शर्मा नीचे अपनी गुंडागर्दी पे बेवकूफ। इस कबीर नाम के कांटे में कुछ ज्यादा ही धार है। पता नहीं ये केसर और कबीर आखिर ढूंढ क्या रहे हैं। कहीं सूरज से जुड़ा कोई सबूत इन्हें मेरे गिरेबान तक ना पहुंचा दे। जब तक ये तुरूप का इक्का मेरे पास है मुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। फिर भी ये दोनों मुझ तक पहुंचे उससे पहले मैं इन दोनों को अपने रास्ते से हटा दूंगी। और इस बार मेरी मदद करेंगी अंबिका भाभी। वैसे दुनिया में केसर किसी को भी हरा सकती है ना। लेकिन अगर उसकी मासू ही उसके खिलाफ चली जाए तो क्या करेगी बेचारी। सही तो कह रही है काकी। कब तक चुप बैठी रहोगी ऐसे ही? बताना तो पड़ेगा ना सब कुछ सच सच। बता दो काकी को तुम्हारी शादी की असलियत। बताओ काकी को कि सूरज तुम्हारे साथ क्या क्या करता था। तूने केसर को कच्ची मिट्टी की तरह गढ़ा है। अपने संस्कार दिए हैं अंबिका को और केसर हमेशा हर मौके पर हमारी उम्मीदों से बढ़कर साबित हुई है। अरे अरे बहू रानी बताओ कैसा रहा वैलेंटाइंस डे? नहीं मतलब वैलेंटाइंस नाइट कैसी रही? काकी मैं पूजा करने जा रही हूँ, आप भी आइए ना मेरे साथ। यानी उस समय केसर शर्मा नहीं रही थी, वो असल में परेशान थी। तो क्या उस दिन मैंने आधा सच देखा था? मैं कमरे में पहुंची उसके पहले सूरज ने ऐसा कुछ किया था जिससे परेशान होकर केसर ने उसे धक्का दिया था। ये सब सच हुआ तो
अब सही गलत का फैसला केसर खुद करेगी। जो सबूत वो ढूंढने गई है, अगर उसे वो मिल गया तो साबित हो जाएगा कि केसर बेकसूर है, और अगर उसे सबूत नहीं मिला तो इससे साफ हो जाएगा कि बेकसूर केसर नहीं, सूरज था। ले आई अपनी बेगुनाही का सबूत। दिखा। क्या हुआ केसर बेटा, सूरज के बारे में कुछ पता चला? कहाँ है वो? बापूजी, सूरज हमें मिले ही नहीं। हम वहाँ पहुंचे और वो वहां से भाग गए। शायद उन्हें पता चल गया था कि हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। बापूजी को क्या पट्टी पढ़ा रही है? अरे कब तक इनके सीधेपन का फायदा उठाती रहेगी तू केसर? केसर, कबीर, चुप क्यों हो तुम दोनों? सबूत लेकर आए हो ना, बता दो।